देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मगतपुर गिरिडीह सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एची हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाए निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CLTVS जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सनमति इंटरप्राइजेज जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी बला चौक गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को दबोचने में पाई सफलता। मातृत्व राशि का लाभ दिलाने एवं अन्य बातों का प्रलोभन देकर करता था ठगी। 5 बाइक और 2,19,000 रुपए भी नकद किए गए बरामद। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिधि श्रीनिवासन पहुंची नंद प्रभा मंदिर। मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य के साथ अनुष्ठान में हुई शामिल। गिरिडीह महिला मोर्चा के सदस्यों ने किया स्वागत। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोंगामेड़ी की हत्या के विरोध में क्षत्रिय समाज ने निकाला कैंडल मार्च। हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की हुई मांग। दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। और भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा की अगुवाई में बरकंडा पुराना पुल निर्माण को लेकर की गई आवाज बुलंद। कहा पुल निर्माण नहीं होने से लोगों को हो रही है परेशानी। जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य पूरा करने की हुई मांग। गिरिडीह पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को दबोचा। गुरुवार को पपरवाचाड़ कार्यालय में प्रेस वार्ता कर SP दीपक कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। बताया कि सभी साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि का लाभ दिलाने, एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्र ऐप के जरिए ठगी करने, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने के अलावा अलग अलग तरीके से लोगों से ठगी करते थे। इन सभी साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 19 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड, 5 बाइक और 2,19,000 रुपए नकद बरामद किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के कोलडीहा निवासी पवन कुमार राणा, गांधी थाना क्षेत्र के भुरकुंडा निवासी मोहम्मद शमशाद अंसारी, भरकुंडा के ही सज्जाद अंसारी, गांडी थाना क्षेत्र के सज्जाद अंसारी, गांडी थाना क्षेत्र के कुलजारी निवासी सलामत अंसारी, बुढ़ई के झिलवा निवासी सच्चिदानंद कुमार मंडल, उत्तर प्रदेश के खड़गपुरा थाना क्षेत्र के झरीकुआ निवासी दीपक वर्मा, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महदैया निवासी नितेश कुमार और पंकज कुमार मंडल, अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पिपरा सिंघा निवासी मुकेश मंडल, गांडी थाना क्षेत्र के रकसकूटो निवासी निर्मल कुमार मंडल, ताराटाड़ थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर मोड़ निवासी रुपेश मंडल और ताराटाड़ थाना क्षेत्र के झित्री निवासी सोहन शामिल है। SP ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी दल में साइबर DSP संदीप सुमन समदर्शी, प्रशिक्षु DSP कैलाश प्रसाद महतो, प्रशिक्षु DSP नीलम कुजूर, साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पूनी सुभा दे, पूनी सरोज मंडल, पूनी गौरव कुमार, सनी संजय मुखियार, साकेत वर्मा, जितेंद्र नाथ महतो, आशुतोष कुमार रंजन एवं हवलदार सुरेश यादव शामिल थे। बता दें कि गिरिडीह में लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से साइबर अपराध की दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं
इसी संबंध में सूचना मिली और प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ साइबर अपराधी गिरिडीह जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में साइबर अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इसी योजना को ध्वस्त करने के लिए और डीएसपी साइबर के नेतृत्व में डीएसपी प्रोबेशनर के साथ में एक टीम बनाई गई और टीम के द्वारा छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में गिरिडीह जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 12 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से अभी तक 19 फोन सेट, 33 सिम, 1 ATM कार्ड और 5 मोटरसाइकिल तथा नगद 2,19,000 रुपये की बरामदगी की गई है तथा इन्होंने कन्फेस किया है कि ये मातृत्व लाभ दिलाने के नाम पर 6,300 रुपये का जो एक मातृत्व लाभ राशि सरकार देती है उसके लाभ दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे तथा और अन्य माध्यमों से ये जो है रैंडमली सीरियल किलिंग कर बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर OTP और पासवर्ड प्राप्त कर उनसे भी ठगी करते थे तथा एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्र ऐप के माध्यम से भी लोगों का ई वॉलेट के नंबर प्राप्त कर उन्हें कॉल कर उनके पैसों की ठगी करते थे। इस प्रकार अभी तक लगभग गिरिडीह जिला में लगभग 82 से भी अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिधि श्रीनिवासन गुरुवार को बराकड़ नदी तट पर नंद प्रभा मंदिर पहुंची और मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों के साथ अनुष्ठान में शामिल हुई। इस दौरान गिरिडीह भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, शालिनी वैसखियार और संजू देवी समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस क्रम में मंदिर परिसर में ढोल नगाड़े के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिधि श्रीनिवासन का स्वागत मंदिर संस्थापक द्वारा किया गया। अनुष्ठान में शामिल होने के साथ ही उन्होंने जैन मुनि आचार्य सूरी जी महाराज के सानिध्य में पूरे विधान के साथ भगवान महावीर की उपासना की। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिधि श्रीनिवासन ने महिला मोर्चा की नेत्रियों से मिलने के क्रम में कहा कि मोदी सरकार के नीतियों को और तेजी से जनता के बीच पहुंचाने की जरूरत है क्योंकि लोकसभा चुनाव जल्द ही दस्तक देने वाला है। ऐसे में भाजपा की महिला मोर्चा की भूमिका सक्रिय दिखनी जरूरी है। कहा कि मोर्चा की मजबूती के लिए घर घर पहुँच कर महिलाओं से मिलना भी जरूरी है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में छत्री समाज ने स्टेशन रोड में गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। इस क्रम में कुंवर सिंह चौक पर छत्री समाज के लोग जुटे। यहां सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर सुखदेव सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या निंदनीय है, इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। छत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, समाज के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की जाए और फांसी की सजा दी जाए। कहा कि गोगामेड़ी की हत्या बड़ी साजिश है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मौके पर डॉक्टर सीके सिंह, गुड्डू सिंह, गौतम सिंह, भोला सिंह, सत्येंद्र सिंह, अरुण सिंह, राकेश सिंह, चंद्रकांत सिंह, श्रीकांत सिंह, नवनीत सिंह, राजकुमार सिंह, मुखिया अभय सिंह, मनोज सिंह, आनंद सिंह, विक्रम सिंह, झूना सिंह, सौरभ सिंह, मुन्ना सिंह, रणविजय सिंह, विजय सिंह, सनी सिंह, अभिनव सिंह, सुबोध सिंह, अमित सिंह, दीपक सिंह, युवराज सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोगामेड़ी जी किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं बाकी दूसरे समाज के लोग भी उनको बहुत इज्जत की नज़र से देखते थे। उनकी छवि बहुत ही अलग और शानदार किस्म के थे। हम भारतवासी और क्षत्रिय समाज के एक घटक के रूप में उनकी हत्या की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और जो भी सत्तारूढ़ पार्टी हैं, जो भी प्रशासनिक लोग जिम्मेवार हैं, उनसे ये आग्रह करते हैं कि उनके हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कम से कम फांसी की सजा उनको दी जाए। जय हिंद, जय भवानी।
हम सबों के लिए बहुत ही अपार दुख की बात है कि हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि जी का कायरतापूर्ण हत्या किया गया। हम क्षत्रिय समाज के युवा बुजुर्ग सभी मिलके बनियोर जो है ब्राह्मणों को छोड़ता है, तो ये पूरे समाज के नेता थे। उन्होंने एक अच्छी कार्य करने के लिए आज इतने कम उम्र में वो इतनी ख्याति प्राप्त किए थे कि उससे घबरा के उन लोगों ने उनकी निर्मम हत्या की है। हम सब इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन सबों को सजा दिया जाए, तभी हम सब शांत बैठेंगे और पूरे हिंदुस्तान में चरणबद्ध आंदोलन चलेगा अगर जल्द से जल्द नहीं हुआ ये हत्यारों को सजा। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा की अगुवाई में गुरुवार को बरगंडा पुराना पुल निर्माण को लेकर आवाज बुलंद की गई। मौके पर भाकपा माले नेता नौसाद अहमद चांद और इकराम के द्वारा जमकर पुल बनाने के लिए नारा लगाया गया। भारी बारिश में छाता लेकर पहुंचे थे माले कार्यकर्ता। बताया गया कि स्कूल कॉलेज मोहल्ला इलाका और आसपास की जनता कई साल से पुल नहीं बनने की वजह से टापू में बसे हैं। बार बार विभाग और संवेदक के टाल मटोल से लाखों लोग 3 साल से परेशान हैं। बताया गया कि सिस्टम की लापरवाही से काम रोक दिया जाता है। श्री सिन्हा ने कहा कि यदि पुल जल्द बनता तो लाखों लोग और हजारों घर के लोग परेशान नहीं होते। 2 विधानसभा 2 लोकसभा और नगर निगम का चुनाव पार हो गया लेकिन पुल निर्माण का वादा आज तक अधूरा है। इस दौरान मुख्य रूप से भाकपा माले नेता इकराम और गुफरान के अलावा आदिल खान, बीरू, सोनू नौसाद, समीर रविंद्र यादव, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद लाल बाबू बिहारी, राजू तौहिद, सरफराज बाबू नियाज आदि उपस्थित थे। बताया गया कि अधूरे पुल के बगल से गुजरी पाइपलाइन से गिरकर एक महिला घायल हो गई। संवेदक को इसका मुआवजा देना चाहिए। नया परिसदन भवन में गुरुवार को रॉयल ऑब्जर्वर की अध्यक्षता में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। यहां गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के दौरान विभिन्न गतिविधियां एवं उक्त कार्यक्रम के दौरान प्राप्त दावा आपत्ति प्रपत्रों यथा प्रपत्र 6, प्रपत्र 7 एवं प्रपत्र 8 की प्राप्ति एवं निष्पादन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सभी निर्वाचक सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को अर्हता युक्त नागरिकों, व्यक्तियों एवं छूटे हुए मतदाता को दिनांक 9 दिसंबर तक निश्चित रूप से दावा प्रपत्र 6 प्राप्त करने एवं 26 दिसंबर 2023 तक ERO नेट में 100% प्रपत्रों को निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही 32 गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 38 सर जेसी बोस गर्ल हाई स्कूल बरगंडा भाग एवं 39 सर जेसी बोस गर्ल हाई स्कूल बरगंडा द भाग को भ्रमण के दौरान उक्त मतदान केंद्र के BLO एवं BLO सुपरवाइजर से प्राप्त दावा आपत्ति प्रपत्रों को ऑनलाइन किए जाने एवं अन्य बिंदुओं की भी समीक्षा की गई। प्रखंड के केंद्र पंचायत भवन में गुरुवार को आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील वर्मा, प्रखंड अंचलाधिकारी सरांश जैन, जिला परिषद सदस्य साजदा खातून, केंद्र पंचायत के मुखिया सहदेव यादव, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि डॉक्टर सलीम, पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद सिराज अंसारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रागीब हसन एवं सभी वार्ड सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। लोगों के द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने, लाभ लेने हेतु आवेदन किया गया, लेकिन लोगों ने कहा
इस कार्यक्रम में लोगों का काफी भीड़ है और इस समय रोजगार सेवक दीनदयाल वर्मा का उपस्थित न रहने से लोगों को काफी परेशानियां झेलना पड़ रहा है। वहीं रोजगार सेवक दीनदयाल वर्मा से फोन पर बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इस कैंप में सबसे ज्यादा आवेदन वो आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, पशुधन योजना समेत हर विभाग का आवेदन जमा हुआ। हर विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया गया था। कार्यक्रम में कल्याण विभाग द्वारा साइकिल योजना के तहत कुल 44 छात्र छात्राओं के बीच 4,500 रुपए का डमी चेक का वितरण किया गया। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत पेंशन धारियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया एवं सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत मुखिया सहदेव यादव द्वारा उपस्थित लाभुकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायत के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया व सहिया एवं पंचायत सचिव उमेश मंडल, प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष इतवारी वर्मा समेत सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे एवं पंचायत के हजारों ग्रामीण उपस्थित थे। सीसीएल गिरिडीह एरिया के द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक बनियारी स्थित विश्राम गृह में गुरुवार को आयोजित की गई। इस बैठक में गिरिडीह कोलियरी के महाप्रबंधक बासव चौधरी, परियोजना पदाधिकारी संजय सिंह समेत सीसीएल के कई अधिकारी व ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें सुरक्षा के साथ साथ कोयला उत्पादन व माइंस में शून्य दुर्घटना पर जोर दिया गया। ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा उपकरणों में रबर मेट आदि की कमी को दूर करने, एंट्री गेट पे बैरियर लगाने, कोयला चोरी, अवैध कोयला उत्खनन, अनाधिकारिक रूप से मोटरसाइकिल प्रवेश को रोकने, सड़कों पर पानी का छिड़काव आदि से अवगत कराया व कई सुझाव दिए। गिरिडीह क्षेत्र में द्विपक्षीय सुरक्षा समिति एवं गिरिडीह कबरीबाद माइंस का निरीक्षण किया। इस मौके पर AK पासवान, SS मेहरा, डॉक्टर PK सिन्हा, DN बेले, रमेश कुशवाहा, राजीव पटेल, RP यादव, राजविंदन कुमार, पंकज कुमार, सुधीर कुमार सिंह, दिलीप कुमार मंडल, CSP साहू, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों दिलीप मंडल, जगदीश साहू, अशोक दास, मोहन गहलोत समेत कई लोग मौजूद थे। भारी वर्षा के बीच गुरुवार को चमुआ प्रखंड के बदडीहा एक एवं दुगड़की पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भ्रमण किया गया। मौके पर टीम का नेतृत्व कर रहे नोडल पदाधिकारी संजय चौधरी एवं सहायक उमेश कुमार ने कहा कि भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने एवं इन योजनाओं का लाभ संभावित लाभुकों को देते हुए 100% अच्छादन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 23 नवम्बर से 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जमुआ प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन दिनांक 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होना है, जहां जमुआ के 2 पंचायतों में वाहन के साथ लोग मौजूद रहकर लोगों को जागरूक किया गया। पंचायतों में यात्रा के पहुंचने पर यहां जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई, जिसमें केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्री में केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों पर फोकस किया गया। बता दें कि यात्रा सरकार की नीतियों के बारे में आमजन को जागरूक करेगी। यात्रा के जरिए आमजन अपनी समस्याएं भी रख सकेंगे। मौके पर बददीहा पंचायत के पंसद राजेश वर्मा, उप मुखिया प्रतिनिधि राम के सुन प्रसाद वर्मा, लेखा सहायक उमेश कुमार, पंचायत सचिव नर्मदेश्वर राय, रोजगार सेवक मोहम्मद इकबाल, स्वास्थ्य विभाग से CHO गौरी कुमारी, जूली पनीवा, जीरन तिरकी, समाजसेवी राजेंद्र प्रसाद वर्मा, अनिल वर्मा, राजेश वर्मा, प्रमोद सिंह, कल्याण सिंह, काली रविदास, सुधीर कुमार, चुपलाल वर्मा, बसकी वर्मा सहित पंचायतों के सभी वार्ड सदस्य एवं GSLPS से रंजीत वर्मा, जगदीश पंडित, राजेश कुमार, उर्मिला कुमारी, अंजलि वर्मा, सीता कुमारी, बबीता कुमारी, कविता कुमारी, सुषमा देवी सहित कई अन्य महिलाएं एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।
उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश अनुसार चुंचका और जसपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम किया गया। यहां जागरूकता रथ के माध्यम से सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी आमजनों को दी जा रही है। इसके अलावा कार्यक्रम के तहत आमजनों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, वनधन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सम्मान निधि योजना, जल जीवन मिशन, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, गरीब कल्याण योजना, खेलो इंडिया, नैनो फर्टिलाइजर, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोषण अभियान, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जन औषधि योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, पीएम स्वनिधि योजना, सौभाग्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना व अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा इसके लाभ के बारे में बताया गया। गांडी के पंडरी पंचायत सचिवालय में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गुरुवार को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। इस दौरान इन्होंने शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के विभिन्न स्टॉलों में घूम घूम कर निरीक्षण किया और उपस्थित कर्मियों से जायजा लेते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झमाझम बारिश में यहाँ छाता लेकर ग्रामीण पहुँचे हुए थे विधायक ने मौके पर उन्होंने लोगों से शिविर के जरिए अधिक से अधिक लाभ उठाने को लेकर प्रेरित किया। वहीं इस दौरान लाभुकों व जरूरतमंदों के बीच चेक वगैरह सहित कंबल व अन्य कई परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। शिविर के मौके पर बीडीओ निषाद अंजु, बीस सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, जिला परिषद सदस्य हेंगा मुनि मुर्मू, पंचायत मुखिया केसर मुर्मू, मनरेगा बीपीओ मनोज कुमार मुर्मू, बीपीओ मनीषा टूटू ताड़ा टांड, मुखिया यशोदा देवी, पंसज गुलाब वर्मा, कन्या अभियंता मेहताब आलम, अब्दुल कादिर मकसूद अंसारी, रजनीश कुमार, नसीम अंसारी, सुजल कुमार, अनिल बेसरा, विवेक राणा, पप्पू कुमार आदि विभिन्न विभागों के कर्मी पदाधिकारी व सैकड़ों फरियादी उपस्थित थे। गिरिडीह पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को दबोचने में पाई सफलता। मातृत्व राशि का लाभ दिलाने एवं अन्य बातों का प्रलोभन देकर करता था ठगी। 5 बाइक और 2,19,000 रुपए भी नकद किए गए बरामद। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिधि श्रीनिवासन पहुंची नंद प्रभा मंदिर, मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य के साथ अनुष्ठान में हुई शामिल। गिरिडीह महिला मोर्चा के सदस्यों ने किया स्वागत। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोंगामेड़ी की हत्या के विरोध में छत्री समाज ने निकाला कैंडल मार्च। हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की हुई मांग। दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। और भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा की अगुवाई में बरगंजा पुराना पुल निर्माण को लेकर की गई आवाज बुलंद। कहा, पुल निर्माण नहीं होने से लोगों को हो रही है परेशानी। जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य पूरा करने की हुई मांग। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।